हेलो दोस्तों, मैं हिंदू गुरु गोयल अपने चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको हल्दी जो होती है टर्मरिक उगाने का तरीका और उसको जर्मिनेट करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए, मैंने इसे जर्मिनेट किया है। ये मैंने काफ़ी दिन तक दोस्तों इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, इसलिए काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखिए, इसे मैंने जर्मिनेट किया है पॉलीथीन में पेपर टॉवल मेथड से। देखिए दोस्तों, ये हल्दी है और काफ़ी बड़े इसके प्लांट्स हो गए हैं। ये रेडी हो गए हैं दोस्तों प्लांटेशन के लिए। इसकी जड़ पूरी तरीके से फैल गई है दोस्तों। ये देखिए, बहुत सुंदर है। पेपर टॉवल में चिपक गए हैं दोस्तों, ये जड़ पूरी फैल गई है। तो आज मैं इसको आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और मैं इसमें फिर आपको फ्रूटिंग का भी रिज़ल्ट दिखाऊंगा दोस्तों 3 महीने बाद। ये देखिए, ये हल्दी उग गई है। ये टर्मरिक के प्लांट्स दोस्तों, इसे हम अब प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, देखिए इसके लीव्स। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, हल्दी उगाने के लिए सबसे पहले हम कुछ हल्दी के ये ले लेते हैं, सूखे हुए जो सीड्स आते हैं। ये टर्मरिक ही है दोस्तों, इसका दिखा रहा हूँ आपको कि ये टर्मरिक है। आप देखिए, ये टर्मरिक है ड्राइड। मैं इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरी तरीके से हल्दी है, टर्मरिक है दोस्तों। इसको घर पे उगाने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे कि आप घर में ही अच्छी फसल पा सकते हैं। आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो दोस्तों, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, एक पेपर टॉवल को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, एक जिप लॉक बैग ले लीजिए पॉलीथीन। उसके बाद दोस्तों, उस पॉलीथीन में आप उस पेपर टॉवल को और हल्दी जितनी है आपके पास में, टर्मरिक जो ड्राइड है, इसको आप डाल दीजिए दोस्तों। ये जैसा मैंने डाल दिया है इसमें। इसके बाद दोस्तों, इसे एक प्लेट में रख लीजिए। ये एक प्लेट मैंने ले ली है, इसे एक प्लेट में मैंने रख दिया दोस्तों, सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं इसमें पानी डालूँगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, इसमें पानी डालिए। ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया दोस्तों। ये देखिए, पानी भर दिया पूरा इसमें। इसके बाद में दोस्तों, इसमें आप ये देखिए, ये हाइड्रोजन पराक्साइड है, टॉपिकल सॉल्यूशन। ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है इसकी, 35 रुपये की आती है दोस्तों। तो ये हाइड्रोजन पराक्साइड की जो बॉटल है, इसमें से आप कुछ ड्रॉप्स जो हैं इसमें डाल दीजिए दोस्तों। हाइड्रोजन परऑक्साइड डालने से दोस्तों, इसमें जर्मिनेशन पावर बढ़ जाता है और बहुत जल्दी जर्मिनेट होकर के ये इस प्रकार बड़ी बड़ी लीव्स जो हैं इसकी 15 से 20 दिन में आ जाती हैं दोस्तों। ये ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी है। मैंने आगे वीडियो डाला है ट्रांसप्लांट करते हुए, इसको लगाते हुए कैसे आप घर पर ही 10 से 15 किलो हल्दी पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार डालने के बाद में आप देखेंगे कि इसमें ऐसे आप पहले, सबसे पहले सॉरी दोस्तों, बताना भूल गया मैं, इसको जिप लॉक को आप लॉक कर दीजिए पूरा। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कैसे बुलबुले बन रहे हैं। देखिए देखिए, ये इसके जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं दोस्तों। इसमें अच्छे से दिखा रहा हूँ, देखिए फ्लैश भी ऑन कर देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको बुलबुले अच्छे से नज़र आएंगे। ये देखिए, इसमें बुलबुले बन रहे हैं, इससे जर्मिनेशन पावर बढ़ जाएगा दोस्तों। और इसको ट्रांसप्लांट करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे देखिए दोस्तों, एक पौधा लगा के आपको मैं दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हिंदू गुरु गोयल अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
दोस्तों मैंने जो हल्दी टर्मरिक होती है वो जर्मिनेट की है। कैसे जर्मिनेट की है, अगर आप ये मेरा वीडियो जो मैंने ये लगा रहा हूँ इसको अगर पसंद करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे जर्मिनेट करें सूखी हल्दी से। आज मैं आपको इसको प्लांट करने का तरीका बता रहा हूँ, जिससे कि आप अपने घर में यूज़ होने वाली टर्मरिक या हल्दी जो पाउडर यूज़ करते हैं मसालों के रूप में, स्पाइसेस के रूप में, वो आप 6 महीने में जो है आप 1 साल की लगभग 10 किलो हल्दी जो है यूज़ कर सकते हैं। 10 किलो हल्दी आपकी पैदावार होगी। ये एक सीमेंट की बोरी है मैंने ली है, देखिए इसमें मिट्टी भर ली है और थोड़ी खाद मिला के भर ली है, गोबर खाद। तो आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप 10 से 15 किलो हल्दी 6 महीने में उगा सकते हैं। जो कच्ची हल्दी रहती है दोस्तों उसके भी बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो ऐसे हैं कि आप इसको फेस में लगा सकते हैं या कई बेनिफिट्स हैं इसके तो, लेकिन आज मैं आपको जो है हल्दी जो है 10 से 15 किलो की पैदावार अपने घर पर, किचन गार्डन पर, टेरेस पर कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा वीडियो देखिए, देखिए मैंने यहाँ गार्डन में और भी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो मैं आज हल्दी प्लांट कर रहा हूँ, मैंने हल्दी स्प्राउट कर चुके हैं इसको, तो ये वीडियो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसको देखिए, ये देखिए मैंने ये इस पॉलीथीन में इसको स्प्राउट किया है, इसकी जड़ें निकली हुई हैं, ये हल्दी है ये देखिए। तो मैं इसको आज इसमें बोरी में लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे और हल्दी उगा सकते हैं। इसका ऊपर का कोना थोड़ा सा टूट गया है ये देखिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है, मैं आपको और तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए इस प्रकार एक इसमें बोरी में 50 किलो की जो सीमेंट की बोरी आती है इसमें आप पूरी मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी भरने के बाद में दोस्तों खाद और मिला के मिट्टी भर लीजिए और इसमें एक हल्दी का सिर्फ एक गठान जो स्प्राउट की हुई है इसे आप लगा दीजिए दोस्तों। इससे आपकी 10 से 15 किलो हल्दी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इसे कहते हैं दोस्तों हाउ टू ग्रो टर्मरिक या हाउ टू ग्रो हल्दी, हल्दी स्पाइसेस। ये मैंने इसमें रख दी है और इसे मिट्टी से कवर कर दिया है। इसे ज़्यादा नीचे ना डालें, 3 से 4 इंच जो है बस वो डालें और ऊपर से इसमें फिर पानी डाल देंगे हम। इसको जो है थोड़े से मोटे इसमें आप डालेंगे, जो ऊपर से मिट्टी है और थोड़ी खड़ी हो, पाउडर ना हो, थोड़ी सी इसको एयर के लिए जगह बना के रखते हैं और इसमें फिर पानी डालेंगे, ये घोल के पूरा सेट हो जाएगा दोस्तों। तो बेटा पानी लाओ एक बाल्टी में। तो आज मैं आपको 10 से 15 किलो हल्दी अपने घर पे कैसे उगाएं, उसका पैदावार कैसे करें वो तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसका स्प्राउटिंग का जो तरीका है, हल्दी को कैसे स्प्राउट करते हैं या इसको हल्दी के जो सीड्स आते हैं उसको कैसे जर्मिनेट करते हैं घर पर ही आसानी से, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा मैं जब तक पानी ला रहे हैं तब तक आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूं। देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई हुई है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। देखिए स्ट्रॉबेरी फली हुई है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ये रुद्राक्ष का प्लांट है दोस्तों, ये देखिए ये एक और स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जिसमें देखिए फ्लावर्स आ गए हैं। इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा घर पर कैसे लगाएं। जो आप घर में स्ट्रॉबेरी खाते हैं स्ट्रॉबेरी से ही स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा बादाम लगाया हुआ है और इसमें जो छोटे जर्मिनेट हो गए हैं ये हैं अपराजिता जो आते हैं, ये ब्लू अपराजिता के प्लांट हैं, ये ड्रैगन फ्रूट हैं। देखिए स्ट्रॉबेरी स्प्राउट किए हुए हैं, ये स्ट्रॉबेरी सीड कैसे जर्मिनेट करेंगे वो तरीका भी मैंने बताया है। ये देखिए इसमें जो है आपके नींबू के बीज जो है स्प्राउट हो रहे हैं, इसके सीडलिंग्स हैं ये, अच्छे से देखिए देखिए दिख रहे हैं आपको।
और ये जो है आपके संतरे जो होते हैं घर में हम खाते हैं उनके बीजों से संतरे उगाए हुए हैं। और दोस्तों मैंने इसमें वो भी डाल के रखा है आपके पारिजात जो नाइट जैस्मिन होते हैं उसके पौधे। ये स्ट्रॉबेरी स्प्राउट की हुई है, ये देखिए इसमें टमाटर स्प्राउट किया हुआ है, ये टमाटर हैं। ये इलायची जो हमने लगाई थी बीज से, ये अभी इतने पौधे बढ़ गए इलायची के, तो इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। बेटा वो छोटा वाला गमला उठाओ, इसे ज़्यादा नीचे मत डालिएगा क्योंकि इसके राइजोम्स जो होते हैं हल्दी के वो नीचे पूरी तरह से बढ़ेंगे। इसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए, इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे नीचे से बोरी में भी पानी मिलते रहे, कहीं पे भी रख सकते हैं, एसी के नीचे भी रख सकते हैं आप। एसी के नीचे रखने से क्या होगा कि जब भी पानी गिरते रहेगा धीरे धीरे इसको बूंद बूंद पानी मिलते रहेगा। ये गर्मी में ज़्यादा अच्छा फसल होती है इसकी, गर्मी के लिए बेस्ट होता है। इस तरीके से दोस्तों इसमें पानी डाल देंगे तो ये आपका साल भर में आपको दो फसल देगा जो कि यानी लगभग 20-25 किलो हल्दी हो जाएगी, मतलब साल भर में आपके पास, जिससे आपको मार्केट से हल्दी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए, हल्दी स्प्राउट करने का तरीका अगर आप जानना चाहते तो मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।